क्या ईवीएम मशीन हैक हो गई है? तो हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होगी, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। हमारे देश में इलेक्शन के टाइम पे करोड़ों लोग वोट देते हैं। अगर बैलेट पेपर पर वोटिंग हो तो बहुत सारे पेपर लगेंगे। अब करोड़ों लोग वोट देंगे तो करोड़ों पेपर्स लगेंगे। अब करोड़ों पेपर्स आएंगे लाखों हजारों में पेड़ों को काट कर, और उन वोटों को काउंट करने के लिए भी हजारों लोग लगेंगे। और हमारा देश भारत, जहाँ हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन रहता ही है, तो वहाँ पे बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में ईवीएम मशीन लाया गया। लेकिन ईवीएम मशीन यूज़ करते समय लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये मशीन कंप्लीट नहीं है। तो 2014 के इलेक्शन में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट भी ऐड कर दिया गया। जब वीवीपैट यूज़ नहीं होता था, तब ये होता था कि आप जब वोट देने जाते थे, तब आप जिस पार्टी को वोट देना है उस पार्टी का बटन दबाते थे और एक लाइट जलती थी, और आप मान लेते थे कि आप जिसको वोट दे रहे हो उसके पास वो चला गया है। अब वीवीपैट को वोट करने वाली मशीन के बाजू में रख दिया गया, जिससे ये होता है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी के नाम की पर्ची आपको वीवीपैट में दिखाई देती है। आप उस पर्ची को घर नहीं लेके जा सकते हो, बस आपको वो दिखाने के लिए है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है आपका वोट उसी पार्टी को गया है। वीवीपैट से आपका शक तो दूर होता ही है, साथ में वोटों का डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है। जितना वोट वोटिंग मशीन में है उतना ही वोट वीवीपैट में भी होना चाहिए। वीवीपैट को ऐड करने से टोटल 3 मशीनें हो गई हैं। पहली वैलेट यूनिट, जिसमें आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देते हो। दूसरी है वीवीपैट, जिसमें आप अपने शक को दूर करते हो कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है आपका वोट उसी पार्टी को गया है कि नहीं। और तीसरी है कंट्रोल यूनिट, ये यूनिट वहाँ के ऑफिसर के पास होती है और इसके अंदर पूरे मशीन का डाटा रहता है। जब आप वोट देने जाते हो तब ऑफिसर अपने पास से कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, जिससे वोटिंग मशीन में ग्रीन लाइट जलती है, फिर आप वोट दे पाते हो। देखो, इसका ये फायदा होता है कि कोई भी जो वोट देने गया है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को 10 बार बटन दबा के 10 बार वोट ना दे दे। तो ये तीनों मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कनेक्ट हो सकता। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, इसमें इंटरनेट तक कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अगर वो ज़बरदस्ती करेगा भी छेड़छाड़ करने का तो वो पकड़ा जाएगा। देखो, वोटिंग स्टार्ट होने से पहले हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है और मशीन उनके सामने टेस्ट किया जाता है कि मशीन सही से वर्क कर रही है या नहीं। फिर हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उसकी मंजूरी देते हैं और साइन करते हैं, उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है। अब जो लोग इसके खिलाफ हैं उन लोगों का कहना है कि टेस्ट तो सिर्फ 1-2 हज़ार वोटों का ही होता है। अब मशीन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि 1 लाख तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन 1 लाख के ऊपर जब वोटिंग होती है तब एक ही पार्टी को सब वोट चला जाता है। देखो, ईवीएम मशीन के प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी भी पार्टी को ईवीएम मशीन को चुराना पड़ेगा। अभी इतना भी कोई पार्टी नहीं करेगा कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी को पार करके चुरा ले। और मान ले चुरा भी लिया तो कितनी मशीनों को चुराओगे, कितनी मशीनों के प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करोगे? तो ऐसा करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी पार्टी के लिए ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईवीएम मशीन को एक कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है जहाँ पर लोगों को जाना इम्पॉसिबल है। बस उसको आप कैमरे पे देख सकते हो, किसी भी पार्टी का बंदा जाके वहाँ पे देख सकता है ईवीएम मशीन को कैमरे पे, और लाइव 24/7 लाइव रिकॉर्डिंग होती रहती है वहाँ की, कि वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है और कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा मशीनों के साथ। अब देखो, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद वोट्स बढ़ाए जाते हैं। तो देखो, जब वोटिंग खत्म हो जाती है तब पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है वो हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है और उसके सामने उस वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है, और हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उसको अच्छे से चेक करता है कि वो वोटिंग मशीन अच्छे से सील हुई है या नहीं। और दूसरी बात, सब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ये भी चेक करते हैं कि उस मशीन पे कितने लोगों ने वोट डाला है। मान लीजिए मशीन का नाम XYZ है और XYZ मशीन पर 11,000 लोगों ने अपनी अपनी पार्टी को वोट दिया है, तो हर पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ये नोट करता है कि XYZ नाम की जो मशीन है उस पर 11,000 लोगों ने वोट दिया है। फिर ये सब नोट करके पूरी उसकी सील को चेक करके फिर हर पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो साइन करता है कि हाँ, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। एक बात तो बताना ही भूल गया मैं आप लोग को कि वोटिंग स्टार्ट होने का टाइम और वोटिंग खत्म होने का टाइम, मतलब ये दोनों टाइम, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम, ये दोनों भी नोट किए जाते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि वोटिंग करने से पहले या वोटिंग करने के बाद कोई अगर मशीन के साथ छेड़छाड़ करे या मशीन के अंदर कोई उंगली करे तो टाइम से पता चल जाएगा कि कब किसने किस टाइम पर मशीन के अंदर उंगली की है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वोटिंग स्टार्ट होने से पहले और वोटिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। देखो, जिस दिन वोटों की काउंटिंग होती है उस दिन मशीन के सील को अच्छे से चेक किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाकर रिजल्ट देखा जाता है। फिर वोटों को क्रॉस चेक करने के लिए वीवीपैड में पड़े वोटों के साथ मशीन में पड़े वोटों को मैच किया जाता है, उसके बाद उन वोटों को काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि XYZ नाम की जो मशीन है उसके अंदर 11,000 वोट पड़े हैं। अब 11,000 वोट में से 5,000 जो है वो बीजेपी के हैं और 6,000 जो है वो कांग्रेस के हैं। तो इसे क्रॉस चेक करने के लिए वीवीपैड के अंदर भी
इतना ही सेम नंबर, एकदम सेम, एक भी ऊपर नीचे नहीं, इतना ही सेम नंबर वीवीपैट के अंदर भी 5,000 बीजेपी और 6,000 कांग्रेस को होने चाहिए, तभी उनको वोटों को काउंट किया जाता है। देखो जब कोई पार्टी कहीं से हार जाती है ना, वहीं पे हल्ला करती है कि ईवीएम मशीन हैक हो गई है। जब कहीं जीतती है ना, तब वहाँ पे वो चुपचाप रहती है। एक टाइम ऐसा आया कि लाखों लोग बोलने लगे कि ईवीएम मशीन हैक हो गई है। तब इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को हर पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया और बोला कि आप पूरी दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को बुला लो और इस ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी पार्टी वाला वहाँ पे उस मशीन को हैक करने के लिए नहीं गया, क्योंकि पता था कि वो मशीन हैक नहीं होगी और वो जाएंगे तो उल्टा उन्हीं की बदनामी होगी, वो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी और उनका जो पार्टी का इमेज है वो खराब होगा और फिर इलेक्शन में उनको वोट कम मिलेंगे और वो हार जाएंगे। तो हर जगह पार्टी है भाई, हार जाएंगे, इसलिए वो गए ही नहीं, क्योंकि उनको पता भी था कि ईवीएम मशीन कभी हैक हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों मोटा मोटी मैं आप लोग को बस इतना समझाना चाहता था कि ईवीएम मशीन अभी तक तो किसी ने हैक नहीं किया, ना ही कोई आया हैक करने के लिए, बस ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है और इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद रिजल्ट भी आएंगे और इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएंगे तो जो पार्टी हारेगी ईवीएम को लेकर रोना चालू करेगी। इसलिए मैं सोचा आप एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूँ कि ईवीएम मशीन जल्दी हैक, मतलब अभी तक किसी ने तो हैक नहीं किया, ना ही कोई आया है उसको हैक करने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर डालो यार। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च लगे हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कमेंट करो आप लोगों को क्या अच्छा लगा और मिलता हूँ आप लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।